किसी भी परिवार में शादी समारोह हो तो उसमें कम से कम लाखों रुपए का खर्च तो होता ही है, लेकिन राजस्थान के कोटा शहर में एक ऐसा निकाह हुआ जिसमें कुछ ही हजार रुपए खर्च किए गए। ना ही दहेज दिया गया और ना ही रिसेप्शन हुआ। इतना सादा निकाह कि समारोह कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। यह निकाह बेहद ही सादे रूप में सम्पन्न किया गया। दूल्हा भी घोड़े नहीं चढ़ा और ना ही दहेज में कोई सामान दिया गया। दरअसल यह अनोखी शादी कोटा के चंद्रघंटा की रहने वाली मरियम सिद्दीकी और विज्ञान नगर के रहने वाले जिशान अली की थी। दोनों ने एक सादे समारोह में एक दूसरे को निकाह में कबूल किया। दुल्हन मरियम ने बीए किया है और वर्तमान में वह एलएलबी सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही है। वहीं दूल्हा जिशान बीकॉम करने के बाद एलएलबी की भी पढ़ाई कर रहा है। शादी से पहले ही दोनों परिवारों में सहमति बनी। इसके बाद दोनों ने इस तरह से निकाह करने का फैसला किया। निकाह में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ना ही गीत संगीत थी और ना ही बारात में किसी भी तरह का शोरगुल था, ना ही डीजे की मस्ती थी और ना ही बैंड बाजा बारात थी। जो लोग आए वह भी अपने घर से खाना खाकर आए, कोई रिसेप्शन भी नहीं था। दुल्हन के पिता निजामुद्दीन पेशे से वकील हैं और उन्होंने बताया कि इस्लाम में शादी में लड़की और उसके परिवार पर खर्च का वजन नहीं डाला जाता। इसी सोच के शायद शादी को बेहद सादा किया गया। इस्लाम में कम खर्च में शादी की बात कही गई है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये शादी की गई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की ही रजामंदी थी। सभी रिश्तेदारों और मेहमानों को फोन करके शादी की जानकारी दी गई। बारातियों को भी पहले से ही कहा गया था कि बारात में आए तो घर से ही खाना खाकर आए और यहाँ रिसेप्शन नहीं है, इसलिए बारात भी पहले से ही अपनी व्यवस्था की हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से करीब 200 से 250 लोग इस शादी में शामिल हुए। आपको बता दें कि पूरी शादी को फिजूल खर्ची से तो बचाया गया और साथ ही निकाह के दौरान महज मेहर 21,000 रुपए का बंधवाया गया। हालांकि इस ताल में दुल्हन को कितनी भी मेहर बनवाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन ने निकाह कबूल किया। दोनों परिवारों ने कहा कि हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि शादी समारोह को आसान किया जाए और फिजूल खर्ची से बचा जाए। जो पैसा शादी समारोह में लगाया जा रहा है वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। बेटी लॉ कॉलेज में पढ़ती है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, तो जो उसकी प्रेसिडेंट है निकिता शर्मा, उसने भी मैसेज करके उससे कहा कि भाई मैं भी तेरी तरह ही शादी करूंगी, जैसे तेरी हुई ना, बगैर खर्चे के, बगैर रस्म ज्यादा, मतलब कोई फिजूल खर्ची नहीं हुई, ना मेहमानों को अपने खाना खिलाया, ना कुछ, सब मेहमान घर से खाना खा के आए। इस तरह बस मुझे बोलना है। आपकी बेटी को कैसा लगा? उसको बहुत अच्छा लगा बेटा। आपके दामाद ने भी सपोर्ट किया? हाँ, उसको हमारे दामाद ने सपोर्ट किया, विज्ञान नगर के हैं, वो उसके वालिद की डेथ हो गई कैंसर से। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम रजमा बेगम है।